तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 23 फरवरी 2019, इब्रानियों के नाम, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 7 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। विश्वास के कारण वे धार्मिक समझे गए, क्योंकि ईश्वर ने उनका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वे मर कर भी बोल रहे हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक रोहित कर लिए गए। वे फिर नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि अरोहित किए जाने के पहले वे ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वे उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। ईश्वर से उस समय तक अदृश्य बातों की सूचना पाकर नूह ने अपना परिवार बचाने के लिए विश्वास के कारण बड़ी सावधानी से पोत का निर्माण किया। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा संसार को दोषी ठहराया, और वे उस धार्मिकता के अधिकारी बने जो विश्वास पर आधारित है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 2 से 13 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, यकूब और जोहन को अपने साथ ले लिया, और वे उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले गए। उनके सामने ही ईसा का रूपांतर हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है।
हम तीन तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की ये बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है, फिर मानव पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वे बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।